क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जनित्र, और उसको डायनमो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 और 7। 18 वर्ग होता है और आवर्त 7 होता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार है 18 और 7। इससे पहले बताए थे कि उदग लाइन को वर्ग बोलते हैं और क्षैतिज लाइन को आवर्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? उत्तर है इसका अवतल दर्पण। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। 5 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, मतलब गतिशील कण कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 6 नंबर क्वेश्चन, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर हो जाएगा इसका आइसोप्रीन का। 8 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? उत्तर हो जाएगा इसका 24 कैरेट का। 9 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? उत्तर हो जाएगा इसका साफ जल। एग्जाम में ऑप्शन में आपको गंदा जल भी रहेगा और साफ जल भी रहेगा, तो आपको साफ जल आंसर करना है और यही आंसर सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में 10 नंबर क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों का रंग क्रमशः होता है, गर्म को जीवित भी बोलते हैं, ठंडा को उदासीन और अर्थ को भूयोजित। तो गर्म हरा रंग का होता है, ठंडा काला रंग का और अर्थ लाल रंग का, तो क्रमशः उसका रंग याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ को क्रमशः कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेता उसको अभिकारक बोलते हैं और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता उसको प्रतिफल बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन, रंध्र का मुख्य कार्य होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। 13 नंबर क्वेश्चन, ग्रहणी किसका भाग है? उत्तर हो जाएगा इसका छोटी आंत का। 14 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है? उत्तर हो जाएगा इसका नाभिकीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा इसका जिप्सम। 16 नंबर क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है? जल का अणु शुद्ध होता है H2, इसमें हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु, इसलिए ये 2:1 में होता है, 2:1 में। 17 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सिन क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका हार्मोन। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब क्या क्या आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। 19 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उत्तर हो जाएगा इसका 1970 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? का उत्तर जगह भूमंडलीय ताप वृद्धि से। यदि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाकर के आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि समय पर आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। इनमें से आप जिस भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, अपने कुछ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके।